तो मैंने 18 साल पुराने अपने स्टडीज में देखा था कि 18 साल पुराने एम्ब्रियो से भी एक लेडी ने कंसीव किया। सो डॉक्टर, मेरा आपसे पहला सवाल ये होगा कि इनफर्टिलिटी क्या होती है? देखिए मीनाक्षी जी, ये बहुत एक कॉमन सा क्वेश्चन है कि व्हाट इज इनफर्टिलिटी। एज वी ऑल नो के जब कभी भी किसी कपल को मैरिज के 1 साल के बाद ट्राई करने के बावजूद भी बेबी कंसीव नहीं होता तो उस चीज को हम इनफर्टिलिटी कह देते हैं। बट मोस्ट ऑफ अस इनफर्टिलिटी को एक बीमारी के तौर पे गिनते हैं। बट मैं अपने व्यूअर्स को ये क्लियर करना चाहता हूँ कि इनफर्टिलिटी या बांझपन कोई बीमारी नहीं है, इट्स जस्ट अ कंडीशन। और ये कंडीशन ऐसी प्रॉब्लम है जो फर्दर किसी और प्रॉब्लम्स के कारण हो सकती है। यानी मैं कह सकता हूँ कि फीमेल्स में अगर कोई बीमारी है तो उसके कारण उनके उनके केस में एक कंडीशन आ सकती है जिसको हम इनफर्टिलिटी या बांझपन कहते हैं। सिमिलरली मेल्स में भी ऐसी कई प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण ये कंडीशन जो है इनफर्टिलिटी की उन कपल्स में आ जाती है। डॉक्टर, अगर मैं बात करूं प्रोसीजर्स की, अगर किसी को इनफर्टिलिटी है, ऐसे में कौन कौन से प्रोसीजर्स रिकमेंड किए जाते हैं? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इनफर्टिलिटी कंडीशंस के कारण हम देखते हैं कि इनफर्टिलिटी मेल की है या फीमेल की प्रॉब्लम के कारण हो रही है, तो सबसे पहले हमारा जो मेन पार्ट रहता है दैट इज डायग्नोसिस। हमारा जो मेन फोकस है वो डायग्नोस के ऊपर है। जब भी हमारे पास कोई कपल आता है हम उनको प्रॉपर स्क्रीन करते हैं। स्क्रीन करने के बाद हम ये देखते हैं कि वो जो प्रॉब्लम उनकी है वो मेल फैक्टर के कारण है या फीमेल फैक्टर के कारण है। अगर मेल है तो उसमें स्पर्म्स की कोई प्रॉब्लम हो सकती है या कोई सेक्सुअल इश्यूज भी हो सकते हैं जिसके कारण वो जो मेल है वो कंसीव अपनी वाइफ को करवाने के काबिल नहीं हो पा रहा। सिमिलरली अगर फीमेल्स की कोई प्रॉब्लम्स है तो पीसीओडी भी हो सकती है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, वेट गेन के कारण उनके एग्स में प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। तो जब हम हमारे पास कोई भी कपल आता है हम उनको प्रॉपर स्क्रीन करते हैं, जो पॉसिबल टेस्ट होते हैं उनके प्रॉपर वो टेस्ट करवाए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम एक कंक्लूजन निकालते हैं कि वो मेल फैक्टर के कारण इनफर्टिलिटी है या फीमेल के कारण है। उसके अकॉर्डिंग ही फिर उसका ट्रीटमेंट जो है हम उस कपल में कैरी ऑन करते हैं। एंड डॉक्टर, हमने दो टर्म्स बहुत सुने हैं, IUI एंड IVF। अगर आप मुझे बता पाएं इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए एक ना IUI को मैं बहुत सिंपल से तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा। मेरा जो मेथड है किसी को समझाने का वो ये है कि एक लेमैन को भी वो समझ आ जाए। तो हमने ये देखा कि जिन लोगों के पास गायें या भैंसे होती हैं वो क्या करते हैं, उनको कंसीव कराने के लिए इंजेक्शंस यूज करते हैं। दैट इज IUI, इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन। ये जो स्पर्म्स थे वो स्पर्म्स एक इंजेक्शन के जरिए फीमेल के अंदर इंजेक्ट किए गए प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू, तब उनको उस आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से जो है कंसीव हुआ, जिसको हम IUI यानी इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन कहते हैं। स्पर्म इंजेक्शन के थ्रू वो जो है कपल को कंसीव कराते हैं हम। और अगर मैं IVF की बात करूं दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। उसमें क्या होता है कि हम प्रॉपर पहले जो फीमेल है उसको स्क्रीन करते हैं, उसके प्रॉपर एग्स बनाए जाते हैं, उनके जो एग्स हैं वो फिर हम रिट्रीव करते हैं। यानी पहले उनके ओवरीज में से अंडेदानियों में से एग्स निकालते हैं प्रोसीजर्स के थ्रू, उसके बाद उन्हीं के हस्बैंड के स्पर्म्स लेकर उसको एक टेस्ट ट्यूब में रख के एम्ब्रियोज रेडी करते हैं। यानी मैं कह सकता हूं कि हम एक बीज तैयार करते हैं। जब वो बीज यानी एम्ब्रियो रेडी हो जाता है उसके बाद फिर से हम फीमेल का इंटरनल एनवायरनमेंट चेक करते हैं, जिसमें यूट्रस और उसकी बच्चेदानी की जो लाइनिंग है जिसको हम एंड्रोमेट्रियम कहते हैं उसको हम प्रॉपर तरीके से रेडी करते हैं, यानी एक सॉयल को अच्छे से हम रेडी करते हैं। उसके बाद फिर वो एम्ब्रियो या वो जो बीज है हम उनके अंदर डाल देते हैं, जिससे वो IVF मतलब इंट्रा विट्रो फर्टिलाइजेशन, हमने पहले उसको फर्टिलाइज किया एम्ब्रियो को, उसके बाद हमने लेडी के अंदर उसको इंसर्ट किया या इंसेमिनेट किया, उसके थ्रू जो बेबी कंसीव होते हैं उसको हम IVF कहते हैं। और IUI और IVF में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये भी है कि IUI जो है वो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसीजर है जिसकी कॉस्ट हार्डली 15 से 20 हज़ार आती है, और ऑन द अदर हैंड अगर मैं IVF की बात करूं तो वो इन लैक्स है, मतलब उसका मिनिमम कॉस्ट 1.5 लैक्स। तो इसीलिए फिर हम पहले कपल को प्रॉपर स्क्रीन करते हैं। हमारा ये नहीं होता कि अगर हम स्ट्रेट अवे IVF की तरफ चले जाए,
हम पहले कपल को स्क्रीन करते हैं, अगर उनमें आईवीआई की जरूरत है तो हम उनमें आईवीआई सबसे पहले करते हैं ताकि उनको ज्यादा खर्चा भी ना। एंड डॉक्टर, अगर मैं आईवीएफ की बात करूं, कितना टाइम लगता है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, जितने भी प्रोसेस होते हैं उनमें? देखिए मीनाक्षी जी, सिंपल सा प्रोसीजर है आईवीएफ में, अगर मैं बात करूं इट विल टेक अराउंड 2 to 5 months, क्योंकि हमारा सबसे पहला पार्ट क्या है, जब भी आईवीएफ के लिए हमारे पास कोई भी फीमेल आती है, आईवीएफ में हमें उनके एग्स जो है वो चाहिए, और एग्स को तैयार करने के लिए लगभग हमें 1 से 1.5 महीने का समय लग जाता है। एक बार जब वो एग्स रेडी हो जाते हैं तो फिर हम उनको रिट्रीव करते हैं, यानी पिकअप करते हैं एग्स का, उनकी ओवरी से यानी अंडेदानियों से डायरेक्टली उन एग्स को पिक करते हैं। उन एग्स को पिक करने के बाद सेम डे हम उनके हस्बैंड के स्पर्म्स लेकर उसको टेस्ट ट्यूब में डालकर एक एम्ब्रियो रेडी करते हैं। फिर हम 2 या 3 दिन के बाद देखते हैं कि वो एम्ब्रियोस कितने तैयार हो गए, 10 तैयार हुए, 15 तैयार हुए, और उसमें जो गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग हम मिनिमम 2 से मैक्सिमम 3 एम्ब्रियोज एक लेडी में जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जब ये प्रोसीजर स्टार्ट होता है, एग्स को रिट्रीव करके एम्ब्रियो रेडी करने के लिए हमें 1.5 से 2 महीने का टाइम लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो फीमेल में हम जो एम्ब्रियोज है किस टाइम पे उनके अंदर डाल सकते हैं, जिसको हम एम्ब्रियो ट्रांसफर या ईटी कहते हैं। तो कई बार क्या होता है, कुछ फीमेल्स का जो इंटरनल एनवायरमेंट है वो उस साइकिल में रेडी नहीं होता, तो शायद वो उस साइकिल में हम एम्ब्रियो ट्रांसफर नहीं करके नेक्स्ट साइकिल उनको लेके जाते हैं। तो इट विल टेक अराउंड 2 to 5 months, मैं रफली मार के चलता हूँ कि 2 से 5 महीने में हम ये पूरा प्रोसीजर कर देते हैं। एंड डॉक्टर, अगर मैं आपसे पूछूं कि फ्रोजन एग्स या फिर फ्रेश एग्स, इन दोनों में से ज्यादा बेटर रिजल्ट्स कौन से एग्स देते हैं, तो आप क्या कहेंगे? देखिए मीनाक्षी जी, क्वेश्चन तो ये भी बहुत ही अच्छा आपने पूछा है। मैंने अपनी लाइफ में, अपने जो एक्सपीरियंस में, मैंने इवन स्टडीज में भी ये सुना कि 18 साल पुराने जो एम्ब्रियोस थे, बेसिकली क्या होता है, एग्स नहीं फ्रोजन होते, एम्ब्रियोज होते हैं। एग एग और स्पर्म के मेल से जो हम बीज तैयार करते हैं उसको एम्ब्रियो कहते हैं। तो फ्रोजन एम्ब्रियोज जो है वो यूज करते हैं हम। तो मैंने 18 साल पुराने अपनी स्टडीज में देखा था कि 18 साल पुराने एम्ब्रियोज से भी एक लेडी ने कंसीव किया। तो इसमें ये कुछ नहीं है, कई बार हम ये भी देखते हैं कि जब हम फ्रेश एम्ब्रियोज रेडी करते हैं तो फ्रेश एम्ब्रियोज के साथ भी कई बार साइकिल फेलियर हो जाता है। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं फ्रोजन की बात करूं तो 18 साल पुराने जो फ्रीज्ड एम्ब्रियो से उससे भी लेडीज ने कंसीव किया है। तो राइट, थैंक यू ये सर। तो मैं वही कहूंगा कि ये कुदरत के हाथ में है, दीज थिंग्स आर नॉट इन अवर हैंड, वी आर नेक्स्ट टू गॉड, वी आर नॉट गॉड, वी आर नेक्स्ट टू गॉड। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर, एंड आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए वक्त निकाला। जी मनी हेल्थ शो की पूरी टीम आपको थैंक यू कहना चाहती है। थैंक यू वेरी मच। ये थे हमारे साथ डॉक्टर, जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमें बताया कि इनफर्टिलिटी क्या है, किस तरह से इसके प्रोसीजर्स किए जाते हैं, आईवीएफ क्या होता है। वेल, अगर आपके मन में कोई सवाल है जो रह गया है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आऊंगी नेक्स्ट शो में एक नए सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिए, क्योंकि अच्छी सेहत हमारा वादा। क्या आप जानते हैं, जी मनी के जरिए आप अपने हॉस्पिटल का बिल भर सकते हैं 12 किश्तों में बिना किसी ब्याज के। और जानकारी के लिए अपने हॉस्पिटल से संपर्क करें।